हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल पी बोर्ड पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर इंटरव्यू 2024 द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उसके बारे में क्लियर आइडिया दे रहा हूं आराम से देख लेना इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा अदरवाइज अ सेपरेट वीडियो शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा ठीक है सबसे पहले मेजरली जो आपके फोर फाइव इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी करके रखने हैं फॉर द डे ऑफ इंटरव्यू यू कैन नॉट स्किप और क्लियरली उन्होंने कहा पार्ट थ्री में जब मैं दिखाऊंगा स्लाइड नंबर थ्री दैट इफ यू आर अनेबल टू प्रेजेंट आउट ऑफ दीज एनी नॉट बी अलाउड टू गिव द इंटरव्यू अ प्रोविजन ऑफ अंडर टेकिंगनी वन डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल एंड दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन दैट केस दिल आस्क यू टू साइन एंड अंडर टेकिंग एंड प्रेजेंट इट इन द स्पेसिफिक डेज बट अंडर टेकिंग के भरोसे मत रहना आप डॉक्यूमेंट लेकर जाना ठीक है चलो सबसे पहला डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगा है पॉइंट नंबर वन वो है आपका कॉल लेटर ऑफ योर इंटरव्यू तो आपके पास लिस्ट तो आ गया है कॉल लेटर का लिंक भी आपका अपडेट हो जाएगा हो चुका होगा या हो जाएगा सो यू कैन डाउनलोड द कॉल लेटर एंड कॉल लेटर ऑफ यूर इंटरव्यू अलॉन्ग विदिकर विच यूनिट टू पोस्ट उसके बाद आपको अपना कॉल लेटर लेकर जाना है पहला रिक्वायरमेंट है दूसरे नंबर का पॉइंट देख लेते हैं है, दूसरे नंबर का पॉइंट है वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज विस द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच यू हैव फिल्ड फॉर पी एन बी क्रेडिट ऑफिसर दैट फॉर्म यूनिट टू डाउनलोड एंड कैरी विथ यू टिल नाउ

तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेफिनेटली आपको रीप्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा बिफोर द इंटरव्यू सो डोंट वरी अबाउट इट अब वो कमेंट में मत लिखना मेरे पास फॉर्म नहीं है मेरे पास फॉर्म नहीं है यू विल गेट द लिंक टू डाउनलोड इट अगेन रीप्रिंट लिंक वापस से एक्टिवेट होगा सो यू कैन डाउनलोड इट अगेन ये सेकंड पॉइंट है थर्ड है आपके पास योर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो है देखो इंडिया में वैसे भी अभी बड़ा मैटर चल रहा है इन चीजों को लेकर सो डेफिनेटली नाउ बैंक विल एटलीस्ट डू वेरी स्ट्रिक्ट चेकिंग ऑफ ऑल योर डॉक्यूमेंट वो कहीं पर छोड़ने नहीं वाले बिकॉज दे डोंट वॉन्ट एनी सच टाइप ऑफ क्लेम्सली करेंगे इनपर मैनर थर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट इफ यू हैव बर्थ सर्टिफिकेट वेल एंड गुड अदरवाइज योर टेंथ क्लास मार्क्शीट विल एक्ट एज अ बर्थ सर्टिफिकेट याद रखिएगा टेंथ और ट्वेल्थ की मार्क्सिट होती है बट मोस्टली बर्थ सर्टिफिकेट डिफॉल्ट ऑल्सो टू कैरी मार्क्सिट विट है तो टेंथ एंड ट्वेल्थ मार्क्सिट यू कैन स्किप दैट यूनिट टू कैरी एलोंग विदिफिकेट ऑल्सो सो इफ यू हैव बर्थ सर्टिफिकेट वेरी गुड इफ यू डोंट है टेंथ क्लास मार्कशीट विल एक्ट एज अ बर्थ सर्टिफिकेट आई होप आई एम क्लियर बाय डिफॉल्ट यू नीड टू कैरी टेंथ एंड ट्वेल्थ मार्कशीट फिर से रिपीट कर रहा हूं इसके बाद आपसे बोला गया आई डी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ एड्रेस प्रूफ द प्रूफ ऑफ एड्रेस विच यू हैव फिल्ड एज योर पॉमनेंट एड्रेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म आप याद करिए एप्लीकेशन फॉर्म में एक परमानेंट एड्रेस आपने फिल किया था उसका एड्रेस प्रूफ आपको लेकर जाना है विच शुड बी देयर ऑन वन ऑफ योर डॉक्यूमेंट आयदर डीएल पर हो आधार कार्ड पर हो किसी एक डॉक्यूमेंट पर वो हो होना चाहिए एज द एड्रेस प्रूफ सो आईडी प्रूफ योर आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट एनीथिंग विल एक्ट एज अ आईडी प्रूफ एक डॉक्यूमेंट वो हो गया एड्रेस प्रूफ हो गया तो ये मेजरली आपके मेन डॉक्यूमेंट है विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम एवरी वन अपार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट नंबर फाइव ये भी कॉमन है थ्रू आउट द कैटेगरी डज नॉट मैटर इन विच कैटेगरी यू हैव अप्लाइड एस सी एस टी ओबीसी पॉइंट नंबर फाइव इज कॉमन फॉर एवरी वन पॉइंट नंबर फाइव दे आर आस्किंग यू the document of graduation and pg in the case wherever the pg is required so graduation and post graduation documents they are asking so semester wise or consolidated one it is best if you have semester wise mark sheet with you along with the degree now in degree if you are if you will be writing sir i don't have degree with me at least you should carry provisional degree with you degree is necessary degree is must

र आर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूज इन दंथ ऑफ मार्च बट देयर डिग्री देयर कॉलेज और यूनिवर्सिटी है लेटर उन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा तो डिफाइन किया है दैट द कोर्स वॉज कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी फर्स्ट वीक ऑनली तो अगर वो डिफाइंड है मार्च में भी इश्यू है बट दे आर एबल टू डिफाइन इट दट इट वॉज कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ फैब इन द फर्स्ट वीक ऑफ फैब टेंट हो गया देन दट विल बी वैलिड फिर वो वैलिड होगा फिर उसके बारे में अब यहां से आती है बातें कैटिगरी की इफ यू हैव अपलाइड इन ईडब्ल्यू एस इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन सो यू नीड टू कैरी दिस डॉक्यूमेंट डोंट थिंक दैट आई विल नॉट कैरी इट आई विल बी कंसिडर्ड अंडर अनिजर्व यू विल नॉट कंसिडर अंडर रिजर्व नाव यू विल बी कंसिडर ओनली इन ओनली इन ई डब्ल्यू एस

सिमिलरलीफ यू हैव अप्लाइड इन द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी वो भी मैटर नहीं है तो डिसेबिलिटी सो डिसेबल सर्टिफिकेट शुड बी देयर विथ यू एक्स सर्विसमैन वालों को अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है ना दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल दो इज हुआ वॉकिंग वर्किंग विदर्नमेंट सेक्टर और विद्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इफ यू वर्किंग विद एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफिस और इंश्योरेंस कंपनी लाइक एल आईसी एनआईसी विच आर पब्लिक सेक्टर कंपनी यू नीड टू कैरी एनओसी विथ यू याद रखना विदाउट एनओसी नॉट अलाउ यू टू गिव द इंटरव्यू आपने डिफाइन किया है आप वर्किंग बैंक के साथ पी एन बी एस बी आई बीओबी कोई भी बैंक है आपके so, पास बाकी काफी कम लोग हैं कैटेगरी में रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट लेटर सैलरी स्लिप रिलीविंग लेटर सो यू नीड नॉट रिक्वायर्ड रिलीविंग लेटर इफ यू आर वर्किंग योर ज्वाइनिंग लेटर एंड रिसेंट सैलरी स्लिप विल

इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर इंटरव्यू वाले दिन कोई भी एक डॉक्यूमेंट इनमें से नहीं अवेलेबल है तो बैंक आपका कैंडिडेटर सेम डे पर कैंसिल करने की अथॉरिटी रखता है दिस इज वॉट फ्रॉम द पंजाब नेशनल बैंक इज सो पी एनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर इंटरव्यू बैच इज लाइव टू मॉर्क इंटरव्यू एलोंग विद्लीट क्लासेज विल बी अवेलेबल इन दिस बैच यू कैन गेट द लिंक ऑफ ज्वाइनिंग in the chat box in the chat option also on the oliveboard website also directly you can check do not miss to use the coupon code aditya to avail the maximum discount and to prepare under the personal guidance of your aditya sir all the best for an interview i hope all of you are able to carry all the documents on time jai